शांति। आज की तारीख है 3/11/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हम ब्राह्मण बच्चे जो कि संगम युग पर हैं, हम जानते हैं कि मीठे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा अवतरित हुए हैं और हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान और राज योग की शिक्षा दे रहे हैं। तो राज योग से हमें बहुत सारी शक्तियों की प्राप्ति होती है, परंतु ये शक्तियाँ कहाँ कैसे काम करती हैं, आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। हम तो पवित्र बनते हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि जो वायुमंडल है, जिस वायुमंडल में हम उपस्थित हैं, उसको भी हम अशुद्ध से शुद्ध बना सकते हैं। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। प्रश्न है, किस एक बात से ये सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? उत्तर है, कहते हैं, बनी बनाई बन रही, अब नई बननी नाही। तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। गीत बजा है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान, नई पढ़ाई, ये रोज पढ़नी है, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन? स्वयं परमपिता परमात्मा। तो वायुमंडल को भी शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। नंबर दो, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान एकमात्र सतगुरु शिव पिता का, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है, मैं इन इन आत्माओं से अच्छा हूँ, थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है। लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता ये नहीं देखते। मुझे बदलना है, बस इस ही धुन में रहते हैं, वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। स्लोगन है, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो,
तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।